छोटे बच्चों के सर में पानी भर जाता है तो किस तरीके से उसे निकाला जाता है या फिर डॉक्टर के पास जब आती हैं तो किस तरीके से इलाज किया जाता है? ये छोटे बच्चों के सर में पानी भरना, इसको हाइड्रोकेफेलस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। हमने देखा होगा जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, एक एक महीने के होते हैं या थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6 महीना 2 साल पे, पानी भरने की वजह से उनका सर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत डिलेड आते हैं, जो हम उनका सर देख लेते हैं कि बहुत बड़ा हो गया। ये प्रॉब्लम जो हाइड्रोकेफेलस है बहुत ही ईजीली ट्रीट हो सकता है। ये सिर्फ जानकारी के अभाव के वजह से लोग इसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ज़िंदगी भर इसके प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। देखिए, सबके दिमाग में पानी होता है, मेरे आपके सबके दिमाग में पानी है, वो पानी बन रहा है, वो पानी निकल रहा है। हाइड्रोकेफेलस बस यही है कि वो पानी निकलने का रास्ता किसी वजह से बंद हो गया है। अब जब रास्ता बंद हो गया है तो उसको ट्रीट करने का एक ही तरीका है कि हम एक नया रास्ता बना दें। हाइड्रोकेफेलस को हम लोग बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। वीपी शंट करके एक चीज़ होती है जिसमें हम लोग एक सर पे एक बहुत छोटा सा छेद करके चमड़े के नीचे नीचे ले जाके हम लोग एक पाइप डालते हैं ब्रेन में, चमड़े के नीचे नीचे ले जाके उस पाइप को हम लोग पेट में डाल देते हैं। जो पानी एक्स्ट्रा सर पे बन रहा है वो पेट में चला जाता है और पेट से निकल जाता है। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट सिंपल सर्जरी जो एक दिन के बच्चे में भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं और ये बच्चे के लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस ला सकता है। कि ट्रीटमेंट होना और ट्रीटमेंट डिलेड होने में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी फीजिबल, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए बच्चे का, उसके ज़िंदगी भर के प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जब ऑपरेशन की जो बात आती है तो ऑपरेशन के बाद क्या ये सही हो जाता है और उसके बाद खतरा इसका कितना ज़्यादा रहता है, रिस्क कितना है? जी, ऑपरेशन में रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, अगेन 2-3% का रिस्क होता है। ये शंट जो सर्जरी मैंने आपको बताई है, इसका सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट रिस्क होता है कि शंट में एक फ़िल्टर होता है, वो फ़िल्टर के ज़रिए पानी फ़िल्टर होके निकल रहा है। अगर वो फ़िल्टर जाम हो जाए तो फिर वो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट यही है कि हम दोबारा से ऑपरेशन करके वो शंट, पुराना वाला शंट और फ़िल्टर निकालें और एक नया डालें। लेकिन अगर हम 100 बच्चों को ये ऑपरेशन करते हैं, उसमें से मुश्किल से 10 या 15 बच्चों को ही, यानी 10-15% पेशेंट्स में ही ये शंट का फ़िल्टर जाम होता है। आजकल के फ़िल्टर्स काफ़ी बेटर हो गए हैं तो ये शंट ब्लॉकेज के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। तो इसके अलावा अगर किसी बच्चे का ये ऑपरेशन हुआ है तो उनको किसी तरीके का बचाव करना ज़रूरी है? नहीं, इस ऑपरेशन के बाद कोई वैसे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सामने के देखने वाले को पता भी नहीं चलता है कि इस बच्चे का शंट हो रखा है, क्योंकि वो सारा कुछ चमड़े के नीचे होता है, चमड़े के अंदर होता है, तो ऊपर से कुछ दिखता नहीं है। वो शंट बहुत ही छोटा होता है।